चलो अगस्त्य मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। अगस्त्य आज तो आज अगस्त्य स्टोरी बताएगा, पूरा अगस्त्य तुम बताओगे स्टोरी। चलो पहला स्लाइड चेंज करते हैं, बताओ। सर, पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड सर है पहले फुटबॉल, फुटबॉल को बोलते हैं सर सॉकर, फिर सेकंड में सर क्रिकेट, थर्ड में फाइट हॉकी है सर, फोर्थ में टेनिस, फिफ्थ में वॉलीबॉल। ओके अब ठीक है टेनिस के ठीक बारे है, में कोर्ट बताओ। पे टेनिस है, ठीक है। अब बताओ टेनिस के बारे में क्या देखा था आप लोगों ने, क्या सीखा था, याद है क्या कुछ? टेनिस का जन्म टेनिस कहाँ हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ कौन से कंट्री में हुआ था? सबसे पहले खेला गया था सर फ्रांस में, क्योंकि सर पहले वहां पे सर वो रैकेट ये सब नहीं थे, तो उनके पास बॉल थी तो वो हैंड हैंड से खेलते थे, क्या हैंड से बात है। मारते अच्छा रहते थे अब बताओ बॉल। इसमें क्या, अब इसमें क्या दिखाया गया? अंकुश तुम भी ध्यान दो, तुमसे भी पूछूंगा, इसमें क्या दिखाया गया? इसको लॉन टेनिस भी, टेनिस को हम लॉन टेनिस भी बोलते हैं, लॉन टेनिस भी क्योंकि बोलते। सर लॉन का मतलब सर ग्राउंड, और टेनिस तो ग्राउंड में खेलने वाला टेनिस, लॉन टेनिस। वेरी गुड। अच्छा अब ये बताओ इसका क्या मीनिंग हुआ, सर इसका क्या मीनिंग था, याद करो। चार मेजर टूर्नामेंट थे, चार। हाँ हाँ ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, फिर सर फ्रांस होता है, बहुत इंग्लैंड, फिर लास्ट में होता है सर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सही है बेटा, तुम तो बहुत जोरदार कर रहे हो, वेरी गुड। अच्छा इसके बाद बताओ ये वाली कहानी बताओ। सर ये जो बीच में सर जो हाँ आदमी खड़े हैं सर, वो नहीं, यूएसए के गार्ड हैं सर, वो हाँ यूएसए के गार्ड हैं, उनकी वो यूएसए के गार्ड है, उन्होंने एक बार ही टीवी पे देखा था कि कुछ कुछ 4 दिन टेनिस खेलने के बाद तो 4 बिलियन इतने ज्यादा पैसे कमा रहे, तो उसने एक 80 से 100 पेज तक, एक 70 पेज तक एक पैराग्राफ लिखा अपनी बेटियों का, तब भी वो आएंगी तो मैं कैसे ट्रेनिंग दूंगा, वो सब करूंगा, उसका कैसे ध्यान रखूंगा, कब करूंगा, और वो ना तब उनकी उनकी दो बेटी थी, एक का नाम सबसे बड़ी का नाम था वीनस, एंड छोटी का था सरीना, वो पहले डॉगी के मुंह से कटवाते थे ताकि बॉल सॉफ्ट हुए और तेज भाग ना हुए, बॉल को पानी में करते थे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और ज्यादा तेज तेज भाग ना पड़े है। बेटा तुमने तुमने तो मतलब ये तो अद्भुत तुमने बताया बेटा, तुम तो छा गए पुत्र, बहुत ही जबरदस्त। तुमको याद है वो कुत्ता वाला, पानी में भीगने वाला, सब याद है तुमको, तो बहुत ही सही है। उसने उनको पढ़ाया, यस उसके सर, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या उनका रूटीन क्या था? ये सब फिर ये इन्हें धूप में प्रैक्टिस कराते थे, 6 बजे उठाते थे, फिर स्कूल आते थे, फिर वापस प्रैक्टिस, फिर एक दिन ये करते करते गए, और फिर इन्होंने एक कोच लिया जिसमें कोच ये जो रिचार्ड विलियम था, उन्होंने वो एक कोच के पास गए, कोच ने बोला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हम तुम्हें नहीं रखेंगे, लेकिन रिचार्ड विलियम्स ने बोला था एक बार ही देख तो लो बच्चों का गेम प्ले कैसे खेलते हैं, तो उन्होंने खेला, तो कोच ने बोला हाँ बहुत इन्होंने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन मैं सिर्फ एक को ही रखूंगा फ्री में, दो को नहीं रखूंगा, बड़ी वीनस थी इसलिए सर वीनस को अब भेजा गया कोच में, लेकिन जो उसके फादर थे रिचार्ड विलियम्स, वो फोटो करते थे, फोटो खींचते थे, वीडियो बनाते थे, और फिर घर में सरीना को दे देते थे, और सरीना से बोलते थे जाओ अपनी मम्मी से सीखो, और लेकिन रिचार्ड विलियम बोलते थे कि सरीना से तुम नंबर वन प्लेयर बनोगी, लेकिन वीनस नहीं, सरीना से बोलते थे कि तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर बनोगी, और वीनस से बोलते थे तुम सबसे पहली प्लेयर बनोगी, सबसे फर्स्ट प्लेयर बनोगी बेटे तुम तो और अद्भुत ग्रेटेस्ट। बता रहे हो बेटा, तुमने तो अद्भुत बताया, मैं सोच भी नहीं सक रहा हूँ कि आप इतना अच्छा स्टोरी बिना स्लाइड के बता दे रहे हो, आप तो पूरा पूरा बहुत ही बढ़िया बोला। तो सर क्या ये बात सच निकला कि नहीं निकला इन लोग का? सर ये सच निकला, क्योंकि 4 पे आई थी सरीना, क्योंकि और 6 पे थी
नहीं, फोर पे थी सरीना और सिक्स्थ पे पोजीशन पे थी वीनस। मतलब अद्भुत है बेटा, तुम तो छा गए हो आज। और ये क्या बताया था मैंने इसके बारे में? सर, जो सरीना के पैर में जो शूज थे उसके ना 400 डायमंड छोटे छोटे लगे हुए थे, वो पता नहीं कितने कितने वो ये नहीं पता सर कि वो कितने पैसों के थे, सब बिलियंस के होंगे। क्या बात है, क्या बात है, दोनों बहन लोग बहुत तेज। तुम तो बड़ा छा गए, तुम तो बहुत अच्छे से सुनते हो, तुमको तो कहानी बहुत ही अच्छी लगती है ये सब। और क्या उन लोग पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज करते थे कि नहीं करते थे? सर वो पढ़ाई और खेल में पढ़ाई में भी करते तो खेल में भी, क्योंकि कभी कभी जो रिचार्ड विलियम्स थे वो कोच के अंदर जाते थे और वहां पे एक रूम होता था, वहां पे जाते थे और पढ़ाते थे बच्चों को, बोलते थे कि अभी इन बारिश हो रही है तो कि मैं खिला नहीं पाया। बेटा एक बार तुम्हारा फोटो ठीक से दिखाओ, तो फोटो नहीं आ रहा। मेरे को लगा तुम तो मेरे से भी अच्छा बोल रहे हो। ये स्टोरी तो तुमने ऐसे बोला कि क्या बढ़िया, गजब मजा आया बेटा, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। तुम तो सबसे बड़े अंकुश बेटे देखे हो क्या? अगस्त, तुम दिल्ली से हो क्या? और हाँ यस सर। आपका एज क्या है? सर 9 है, सर नाइन नाइन इयर्स 9 ईयर्स हो, बहुत बहुत।